दिव्या के गुजरने के बाद कोशिश तो मेरी हमेशा यही रही है कि मैं दोनों बच्चों को कभी भी माँ की कमी महसूस न होने दूं। कहीं इस चक्कर में मैं बाप कम और माँ ज्यादा तो नहीं बन गया हूं? पर मेरी बेटी है कि खुद को मेरी माँ समझती है, बहुत स्ट्रिक्ट मॉम है भाई। बचपन में मेरा सपना था कि मैं बड़ा होकर एयरफोर्स ज्वाइन करूं, लेकिन जिंदगी भर पिताजी का बिजनेस ही संभालता रह गया। मगर अपने बच्चों के लिए मेरा कोई सपना नहीं है, मैं बस उनका सपना अपनी आंखों में देखना चाहता हूं। दोनों बच्चे एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं। सपने चाहे कुछ भी हो, इंसान को सबसे पहले स्वस्थ और तंदुरुस्त होना चाहिए। रिया तैयार हो जाओ। रिया, रिया मैं नोटिस कर रहा हूं आजकल तुम एक्सरसाइज करने से बच रही हो, पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं है तुम्हारा, क्या हो गया है? चलो तैयार हो जाओ। पापा मैं नहीं आ रही हूँ, मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। नहीं आ रही हूँ क्या मतलब है? टायर्ड फील मतलब मैं टायर्ड फील नहीं करता हूँ क्या? घर से ऑफिस तक काम करता हूँ तुम दोनों के लिए। कम ऑन रिया, सपने पूरे करने के लिए उसे जीना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। ठीक है मत आओ। अरे ओ छोटी छोटी खुशियों से रूठी जिंदगी, खोए से ख्यालों में सिमटी जिंदगी। कुछ बात है क्या है वजह, ना कुछ पता कुछ तो खता। दिव्या, लगता है हमारी रिया बड़ी हो गई है। वो मुझसे कुछ कहना चाहती है लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। तुम भी नहीं हो। वो हमेशा थकी थकी रहती है, पता नहीं क्यों। क्यों? क्योंकि she is lacking nutrition। रिया में पोषक तत्वों की कमी है। लेकिन दोनों भाई बहन तकरीबन एक ही उम्र के हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, तो फिर लड़का स्वस्थ है, लड़की इतनी कमजोर क्यों है? क्योंकि इस उम्र में लड़कियों का मेनस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, लड़कों को ये समस्या नहीं होती। इन दिनों लड़कियों के शरीर से अधिक रक्त बहने के कारण उनमें रक्त की कमी हो जाती है। इसकी भरपाई के लिए रिया को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता है जो कि रोजाना के भोजन से उसको नहीं मिल पाते। इसके लिए रिया को लेना होगा रोजाना न्यूट्रीचार्ज वुमन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, जो उसके शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जैसे आयरन, कैल्शियम और फाइबर, इन सब कमियों को पूरा करके उसके शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करेंगे ताकि वो आने वाली जिम्मेदारियों को अच्छे से उठा सके। आपने आज भी अपने चश्मे का फ्रेम नहीं बदला? पापा, आप आज भी ब्रेकफास्ट करना भूल गए थे ना? क्या देखा? पापा, आप हमेशा कहते हो ना
कि आप अपनी आंखों में हमारा सपना देखना पसंद करते हो, लेकिन मैं आज चाहती हूँ कि आप मेरी आंखों से इस 4.5 लाख किलोमीटर की ऊंचाई से इस ब्रह्मांड को देखोगे तो इसमें सबसे खूबसूरत ग्रह है हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी में सबसे खूबसूरत देश है हमारा इंडिया, और पूरे इंडिया में जो सबसे सुंदर चीज दिखाई देती है वो है मेरे पापा। आई लव यू पापा। थैंक यू पापा मेरे सपनों को उड़ान देने के लिए। थैंक यू न्यूट्रीचार्ज मेरे उड़ान को लगातार ताकत देने के लिए।